और इस बीच ग्वालियर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल का घेराव, हजारों की संख्या में यहां पर मुन्नालाल गोयल के समर्थकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस बार का जो टिकट वितरण है वो कहीं ना कहीं विरोध का कारण बन रहा है। सुरक्षा गार्ड द्वारा महल के गेट पर प्रवेश करने से रोकने पर विवाद हो गया। सुरक्षा गार्ड और समर्थक आपस में भिड़ गए। महल के मुख्य दरवाजे के सामने जमीन पर बैठकर धरना देना शुरू कर दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें जब यहां पर मुख्य दरवाजे पर गार्ड से यहां धक्का मुक्की करते नजर आए। मुन्नालाल गोयल के समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे और यहां गेट के सामने ही वहां पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे। गार्ड्स जो कि अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उनके साथ धक्का मुक्की की गई। यहां मुन्नालाल गोयल के समर्थकों ने प्रदर्शन किया और गार्ड्स के साथ धक्का मुक्की की और अंदर जाने की भी कोशिश यहां पर की गई। देखिए हमारा विरोध कोई नहीं है, हमारा तो केवल एक मांग है। हमारी मांग है, विरोध नहीं है किसी से। हमारी मांग ये है और मैं न्याय मांग लिया महाराज साहब एकदम तो कि भाई हमारी ग्वालियरपुर की सीट तभी निकल पाएगी जब मुन्ना भैया यहाँ से टिकट मिलता है उनको, क्योंकि मुन्ना भैया एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सुबह से लेकर रात तक जनता के बीच में रहे और जनता के लिए उन्होंने कार्य किया। और ऐसे व्यक्ति को यदि टिकट नहीं मिल रहा है तो ये सीट संभव नहीं है निकल जाए, और यदि संभव नहीं निकलेगी ये सीट तो हमारी सरकार कैसी बनेगी। हमारी आखिर कहा सरकार बनने की एक सीट की ले जाता हमें अभी नहीं हो पाई है। महाराज साहब निकलने वाले हैं और महाराज साहब भाई यही गुहार है, हमें विश्वास है महाराज साहब पे कि ये सीट जरूर चलती। और बात करेंगे हमारे सहयोगी सुशील कौशिक, इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। सुशील, अभी मामला शांत है, क्या स्थिति है फिलहाल? अब देखिए जयविलास पैलेस में मुन्नालाल गोयल के जो समर्थक है वो गार्ड से विवाद करने के बाद अंदर घुस गए हैं और यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद अपने महल में मौजूद है। इसके साथ ही ये जो सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता महल के अंदर घुसे थे ये अब ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने के लिए आए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि मुन्नालाल गोयल को ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से टिकट नहीं दिया गया है, जबकि 2018 में वो जीते हुए थे यहाँ से। हालांकि 2020 में सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने के बाद वो हार गए थे इस सीट से, लेकिन माया सिंह के टिकट घोषित होने के बाद से ही मुन्नालाल गोयल के समर्थक यहाँ लगातार विरोध कर रहे थे और सिंधिया संभवतः थोड़ी ही देर में आकर इन लोगों से बातचीत करेंगे। इनका एक ही कहना है कि मुन्नालाल गोयल को किसी भी हाल में ग्वालियर पूर्व सीट से टिकट दिया जाना चाहिए। जो माया सिंह को टिकट दिया गया है उस टिकट को बदला जाना चाहिए, लेकिन इस मामले में अब किस तरह का रुख रहेगा ये संभवतः थोड़ी बहुत देर बाद जब सिंधिया से इन लोगों की मुलाकात होगी, बातचीत होगी, उसके बाद साफ हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी ने जो गाइडलाइन तय की थी उसके हिसाब से माया सिंह को टिकट दिया गया है। माया सिंह कद्दावर नेता भी है, पूर्व मंत्री रही है, राज्यसभा सांसद रही है, इसके अलावा 2013 से 2018 इस सीट में वो MLA रही है। उनके पति भी यहाँ 2 से 3 बार MLA रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी का यही कहना है कि जो भी मांग है कार्यकर्ताओं की वो पार्टी अलाकमान तक पहुंचाई जाएगी। सर्वे के आधार पर सुशील टिकट बांटे गए थे तो जिनके भी टिकट कर, 3 मंत्रियों समेत कई विधायकों के टिकट यहाँ पर कटे हैं। बिल्कुल सही बात, देखिए 3 मंत्रियों के, विधायकों के इनके टिकट कटे हैं और माया सिंह को जो टिकट मिला है कहीं ना कहीं वो इस इलाके से पहले विधायक रही है, मंत्री भी रही है। उनके पति ध्यानेंद्र सिंह मामा भी यहाँ 2 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। तो इस सीट पर जो बीजेपी का सर्वे था वो यही था कि माया सिंह ही जो है यहाँ कांग्रेस के MLA सतीश सिकरवार के सामने माकूल कैंडिडेट रहेंगी, वही इनको टक्कर दे सकती है। और मुन्नालाल गोयल की अपेक्षा सर्वे में माया सिंह का नाम ऊपर था, यही वजह है कि उनका टिकट कटा। हालांकि मुन्नालाल गोयल कट्टर समर्थक है ज्योतिरादित्य सिंधिया के। 2020 में सिंधिया के साथ वो MLA कांग्रेस के रहते हुए पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए थे और इस्तीफा देकर जो है उपचुनाव में हालांकि उन्हें कांग्रेस के सतीश सिकरवार के हार का सामना। यहाँ पर अगर सब आक्षेप और आरोप और उम्मीदों के ऊपर उठकर देखा जाए तो समर्थक वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी साथ रहे। ठीक परिस्थितियों में तो सभी साथ रहते हैं। अब अगर उनको टिकट मिलता और वे, उन्हें पता था कि बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनेगी तो उन्हें भी कुछ ना कुछ पद मिलेगा, तो समर्थन वहां नजर नहीं, समर्थन तो यहां नजर आता है कि उनका टिकट कट गया और वो फिर भी उसी व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसने उन्हें टिकट दिलाया और जिसकी वजह से उनका टिकट कटा। समर्थन तो वहां तब नजर आता है। बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर अब नारा